दोस्तों आज हम आपको आइस मशीन रिपेयर करके दिखाएंगे। आइस मशीन का ऑन ऑफ स्विच है और ये सामने इसका फ्रंट पैनल है, ये इसके इंडिकेटर है कि हमारी मशीन चल रही है या नहीं। यहाँ इंडिकेट ये होता रहता है और ये आइस मशीन की ट्रे है, यहाँ आइस इकट्ठी होती है। और देखिए साथ साथ इसके साथ यहाँ पर ये कंप्रेसर है, इनलेट है, ये पूरा सिस्टम आज हम आपको खोल के दिखाएंगे। पूरे कनेक्शन, पूरी वायरिंग हम आज इसकी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ये देखिए दोस्तों यहाँ इसमें पानी लगता है और यहाँ ये इससे आउटलेट निकलती है। ये दो हमारे पाइप यहीं लगते हैं, डायरेक्ट हम इससे नल से पानी लगा देते हैं, मतलब 20 टंकी से कहीं से भी, और इधर साथ साथ दूसरे पाइप से पानी यहाँ पर ये निकलता रहता है। और ये हमारा ये कंप्रेसर है, यहाँ कंप्रेसर है, इसकी ये वायरिंग है, कंडेंसर है, ये हम आपको खोल के दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसको खोल लेते हैं, इसका ऊपर का कवर निकाल लेते हैं, पूरी वायरिंग एक एक चीज हम आपको बताएंगे, इसका सर्किट भी बताएंगे, सर्किट में क्या क्या चीज लगी हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों हमने इसका कवर ये खोल लिया है और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कटलर लगा हुआ है, जैसे हमारी आइस बन जाती है तो ये यहाँ से ये मोटर लगी हुई है, ये आइस को आइस ट्रे में भेजता है। आगे इतना कंप्रेसर होता है इसमें कि ये यहाँ पर एक इसमें गरारी चलती है, गरारी चलने के बाद ये आइस को आइस ट्रे में भेज देता है। यहाँ देखिए ये पूरा सिस्टम यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये वाली मोटर है और इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये गर्म हो जाती है कटलर, ये है यहाँ इस पर फैन लगा हुआ है। और साइड में देखिए दोस्तों साइड में इसकी एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है, यही कंट्रोलर है। और यहाँ पर ये इसका यहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये इसका ये यहाँ पर कंप्रेसर है। तो दोस्तों जब हम इसको चलाते हैं तो हम इसका कंप्रेसर चेक करते हैं कि ये हीटअप हो रहा है या नहीं। एक साइड में इसमें ठंडा होता है, एक साइड में ये गर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये इसकी वायरिंग है, एक ट्रांसफार्मर है और दो रिले है, इसमें डिले होता है, ये जो डिले होता है और रिले है यही काम करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये पूरा सर्किट बना हुआ है, सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम इसकी वायरिंग करते हैं और जो भी लोग इसको रिपेयर करता है सर्किट के हिसाब से इसकी हम पूरी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हमने इसके यहाँ पर वायर ये लगा दिए हैं और यहाँ पर हमने इनलेट और आउटलेट के ये पाइप भी पानी के लगा दिए हैं और यहाँ पूरा सर्किट हमने ये तैयार कर लिया है। तो दोस्तों हम अब इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं और देखते हैं कि इसने काम करना अपना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर देखिए ये कंडेंसर, इस साइड में कंडेंसर है और यहाँ पर ये देखिए कंडेंसर हीटअप होके ये आइस बना रहा है, देखिए इसने आइस बनानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे बनती है, यहाँ से चलती है और कंडेंसर में जैसे पाइप है ऊपर कटलर तक ये आइस जाती है और यहाँ पर जैसे जाती है यहाँ कटलर के थ्रू फिर ये आइस उसमें आइस ड्रम में ये इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों ये कंडेंसर है, इसको भी हमें साफ करना चाहिए और यहाँ ये कंप्रेसर लगा हुआ है, कटलर है और यहाँ से इस टाइप से जब हम चलाते हैं तो यहाँ साइड में इस टाइप से ये बर्फ गिरती रहती है। और यहाँ एक चीज और दिखाएंगे, इसमें यहाँ पर एक यहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ है, आरटीडी लगी हुई है, देखिए सामने आरटीडी लगी हुई है, जब ये हमारी करेट पूरी भर जाती है तो ऑटोमेटिक ही ये हमारी मशीन बंद हो जाती है। तो हमारी मशीन ने ये आइस बनानी शुरू कर दी, हमारी मशीन बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइस मशीन ठीक करने के लिए, कंप्रेसर ठीक करने के लिए, इसकी वायरिंग ठीक करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लिख सकते हैं तो हम आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं, तो आप भी इस टाइप से अपनी आइस मशीन रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को